अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3x+7 डिवाइडेड बाय x² + 1 और x+3, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लीनियर टर्म जो थी वो पहले थी और क्वाड्रेटिक बाद में थी ना, तो यहाँ पे उन्होंने क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म, ये रिजॉल्व नहीं हो सकती, इसका फार्मूला ओपन नहीं होता, तो इसके लिए, और ये है हमारे पास लीनियर टर्म, ठीक है। ये सिंपल टर्म होती है, इसमें हमारे पास एक एक्स होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे एक्स है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो हमारे पास लीनियर टर्म्स है ना, इसके लिए हमने सिंपल कांस्टेंट एक कांस्टेंट लिखना होता है डिवाइड से ऊपर, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये क्या है, इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, इसमें एक्स है सिंपल और दूसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए सिंपल हमने एक ही कांस्टेंट, और इसके लिए एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पे, तो हमने इसके लिए क्या लिखना होता है, हमने इसके लिए लीनियर टर्म लिखनी होती है, ठीक है। लीनियर टर्म क्या है, एक एक्स होना चाहिए और एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हमने किस तरह लिखनी है, अब यहाँ पे हमने एक्स लिखना है और कांस्टेंट टर्म लिखनी है, तो एक हमारे पास ए एक्स आ गया और फिर हमने साथ बी लिख दिया, ठीक है। ए बी तो लिखना है ना, लेकिन उनके साथ क्या इजाफा हो गया, एक्स का, और एक हमने उनको कंबाइन करके प्लस के साथ लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्स प्लस थ्री है ये तो सिंपल है लीनियर टर्म, तो इसके लिए हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, सिंगल कांस्टेंट हमने लिखना होता है, बस फर्क ये है इसमें कि जहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म होगी आपने वहाँ पे लीनियर टर्म उसके ऊपर लिखनी है न्यूमरेटर के तौर पे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम कॉमन फैक्टर्स के साथ, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, x² + 1 और x+3। अब हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है सबको एक साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 3x+7 के साथ कौन से फैक्टर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो गए, और अब बी ए एक्स प्लस बी के साथ जो फैक्टर है x² + 1, तो ये आपस में क्रॉस हो गया, ये और ये, बाकी क्या रह गया, x+3, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और सी के साथ कौन सा फैक्टर है, x+3, तो ये आपस में क्रॉस होंगे और बाकी कौन सा रह गया फैक्टर, x² + 1। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x+3 से, तो मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, ए एक्स को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x² और फिर 3ax और फिर बी को मल्टीप्लाई करते हैं bx और +3b और ये एडिटिव, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने ना इसमें से कॉमन लेने होते हैं, दो पेयर्स बनाने, ठीक है, एक ये हमारे पास पेयर बन गया और एक ये पेयर है, इसमें से कॉमन क्या है, अब इसमें से ए कॉमन है और एक्स कॉमन है, ए एक्स कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे अब हमारे पास क्या रह गया, एक्स सिंपल और यहाँ पे 3 रह गया सिर्फ, क्योंकि ए एक्स को तो कॉमन ले लिया ना, और यहाँ पे हमारे पास बी कॉमन है और बाकी क्या रह गया, x+3, अब ये हमारे पास वो फैक्टर बन गया x+3 के दोनों के साथ, और थर्ड फैक्टर क्या है, x² + 1 सी के साथ। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने इन क्वेश्चंस में सिर्फ सिंगल जो एक्स है ना उसी के फैक्टर को लिखना है, x² वाले फैक्टर को यूज़ नहीं करना, तो x+3 है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, x = -3, तो अब हमने इसको इक्वेशन में पुट करना है, ये सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास आई है, लेकिन इसमें सिर्फ वो कांस्टेंट नहीं लिखने जिनके साथ कौन सा फैक्टर होगा x+3, तो ए एक्स के साथ भी है और बी के साथ भी है, तो हमने इनको, इन दोनों को नहीं लिखा, सी को लिखा है, और अब सिंपल
वैल्यूज पुट करते हैं और सी का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो अब क्या होगा, 10 जो है वो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाएगा और इसको हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर सी का। सी की वैल्यू क्या आ गई, -1/5। अब हमारे पास सी की वैल्यूज़ आ गई हैं, नेक्स्ट वैल्यू सॉरी वैल्यू आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखने हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर का लिखते होते थे लेकिन इन क्वेश्चंस में हमने एक्स स्क्वायर का भी लिखना है, कोएफिशिएंट्स और एक्स के भी लिखना है दोनों के। एक्यूटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अब हमने देखना है कि इसमें से एक्स के कोएफिशिएंट्स कौन से हैं और एक्स स्क्वायर के कौन से हैं। तो हाफ हम इसको कर लेते हैं पेज को, ठीक है। एक तरफ हम एक्स स्क्वायर के लिखेंगे, अब एक्स को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि ए जो है वो कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। फिर बी तो नहीं हो सकता, सी हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो सी जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, प्लस के साथ लिखेंगे। अब हम लेफ्ट साइड पर देखते हैं, यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 कोएफिशिएंट। इसी तरह हम एक्स के लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ए एक्स को जब मल्टीप्लाई, अच्छा ये सिंपल वाला लिख लेते हैं पहले बी एक्स। अब यहाँ पे ए एक्स को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 AX आ जाएगा ना, 3 AX। तो एक्स के साथ कोएफिशिएंट कौन से हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ 3 A, तो एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, 3 A। वो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, और फिर एक्स का कोएफिशिएंट बी है, सी नहीं है क्योंकि सी के साथ स्क्वायर है ना। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो 3 X है, यानी कि 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a+c=0, यानी कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है ना, तो सी की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे और उसको जब हम राइट साइड पे लिखेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/5। अब इसमें ए की वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 प्लस b=3, ठीक है। अब ये 3/5 जो है ये प्लस में है ना, तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका लेना है हमने एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं 5 आ जाएगा, ठीक है। और फ़र्ज़ किया कि इसके नीचे क्या है, 1, तो 1/5 का एलसीएम 5, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे 3 को 1 से। तो ये हमारे पास 12/5, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ए बी और सी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था वो लिख लेते हैं। और हमने कौन से फैक्टर्स बनाए थे, ax+b, तो ए की जगह पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ax+b था, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, x²+1, ठीक है। यही फैक्टर, यही हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी। अब ए की जगह पे हमने क्या करना है, 1/5, ये ए की वैल्यू लिख दी, ठीक है।
एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। अच्छा, बी की वैल्यू क्या थी? 12 डिवाइडेड बाय 5। तो दूसरा 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 12 के नीचे ये जो 5 है डिवाइड ही हो रहा है ना 5 के साथ भी, 12 के साथ भी। तो इस 12 के साथ जो 5 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई थी? माइनस के साथ था 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमने ऐसे लिख देना, ठीक है।